मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृतार्थमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमदनगोपालं वृन्दारं पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासकरणं विकसितनलिनाशयं विश्वनन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलम् महोधावति श्रीराममय सब जगजानी करौं प्रणाम जोरि जुगुपानी। कई पन्ने आज भी मिल गए हैं, कई पन्ने मिल गए करते तो सूर्य इनमें से जिसका कोई उत्तर आ जाए, अपना समझ लिया न आ जाए तो समझ लें कि नहीं आया। एक बड़े सुंदर दो श्लोक हैं गोकर्ण जी के भागवत महात्म्य में, उनमें से एक लाइन पर कुछ कहना है। वैराग्य राग रसिकोधल भक्त निष्ठा। एक प्रश्न है वैराग्य के संबंध में, ये विचित्र बात कही, वैराग्य राग रसिकोधल, जहाँ सारी रसिकता की समाप्ति हो जाती है वहाँ वैराग्य रस उत्पन्न होता है। जितने भी जागतिक रस हैं ये सारे रस जहाँ सूख जाते हैं वहाँ वैराग्य है। विषयों में रसानुभूति भी रहे और वैराग्य भी कहा जाए तो नाम वैराग्य भले ही हो, विराग होता नहीं, वो विराग है नहीं। तो समस्त जगत के इहलौकिक पारलौकिक समस्त विषयों में सर्वथा रस शून्यता का बोध, सर्वथा उनसे वितृष्णा हो जाना, ये वैराग्य है। पर फिर उस वैराग्य में किस प्रकार का रस होता है? वैराग्य में किस प्रकार का रस होता है जिसका रसिक बनने के लिए कहा गया वैराग्य राग रसिको भव, विराग रूपी राग के रसिक बन जाओ। तो भोगों के तो रसिक हम सभी बने हुए हैं, चाहे रस शास्त्र का ज्ञान न हो पर भोगों के रसिक बनकर और उनका अव्यवहार व्यवहार करते रहते हैं। लेकिन विराग में एक रस है,
वैराग्य में एक आनंद विशेष है, वैराग्य में एक राग है, ये उन्हीं को अनुभव है जो सचमुच वैराग्यवान महापुरुष होते हैं, हम लोग उनको तो अनुभव नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि जहाँ तक विषयों में जरा सा भी अनुराग कहीं पर है, वहां तक दुख का नाश नहीं है। जरा सा भी कहीं पर विषयानुराग किसी विषय में है जिसके द्वारा मन को इंद्रिय को तृप्ति मिलती है, ऐसा कोई विषय चित्त को यदि खींचता है थोड़ा सा भी, थोड़े काल के लिए भी, तो जो वैराग्य में सुख है उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? वैराग्य का सुख यदि अनुभूत हो जाता तो विषय सुख की सत्ता रहती नहीं। विषय सुख और वैराग्य का विरोध है। विषय सुख की वृत्ति और वैराग्य का अनुभव, इन दोनों में परस्पर बड़ा विरोध है। तो जहां वैराग्य का पूर्ण उदय है वहां पर विषय सुख की सत्ता नहीं, और जहां विषय सुख नहीं वहां विषय में आसक्ति नहीं। आसक्ति होती है किसी न किसी सुख की भ्रांति से। तो जहां विषय सुख नहीं वहां विषयासक्ति नहीं, और जहां विषयासक्ति नहीं वहीं विषय से पूर्ण विराग सिद्ध होता है। तो उस पूर्ण विराग में एक इस प्रकार का सुख है कि उस सुख के रस का जिनको अनुभव हो जाता है उनको दूसरे सारे सुख, इंद्रलोक ब्रह्मलोक तक के सारे भोग उनकी दृष्टि में नगण्य हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं। सत्य कल या परसों अपने बात हुई थी इस पर, किसी ने कहा पीछे बातचीत हुई कि विषयों में भोगों में मल बुद्धि विष बुद्धि ये कैसे कह दी, ऐसी कुछ बात। तो सचमुच एक चीज है, ये भोगों में जहां तक महत्व बुद्धि है, भोगों में जहां तक एक मूल्य का एक इस प्रकार का भाव है कि ये मूल्यवान वस्तु है, वहां तक भोगों का बाह्य त्याग होने पर भी भोगों की महत्ता का त्याग नहीं होता। एक राजा ने राज्य छोड़ करके जंगल में निवास किया, एक महात्मा ने उनको सजग करने के लिए उनके रोटी दो तीन बार धूल में गिरा दी तो वो महात्मा जो राजा थे नवीन महात्मा, तो बड़े सज्जन साधु स्वभाव, उन्होंने कहा महाराज आपने मेरी परीक्षा की, बड़ी कृपा आपने की कि आप मुझे बार बार रोटी गिराकर सचेत कर रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा है। इस पर भी फिर रोटी गिरा दी। तब नवीन तरुण सन्यासी ने कहा महाराज आप बड़ी कृपा करते हैं, मेरी परीक्षा बड़ी अच्छी करते हैं, पर महाराज इतने बड़े साम्राज्य का मैंने त्याग कर दिया, इतनी बड़ी चीज मैं छोड़ आया, तो अब रोटी गिरने से मेरे मन में कैसे क्षोभ होता। तो वृद्ध महात्मा जी ने हंसकर कहा इसे भी रोटी गिराई थी भैया मैंने, तो तुमको अभी राज्य त्याग की स्मृति है और राज्य का इतना बड़ापन, ये राज्य का महत्व तुम्हारे मन पर अभी अंकित है, इसलिए इस त्याग का भी त्याग करना चाहिए। ये जहां तक त्याग में कोई त्यागी रहता है अहंकार करने वाला, वहां तक पूर्ण त्याग नहीं होता। मैंने त्याग किया, मैंने कर्म का परित्याग कर दिया, इस प्रकार अहंकार एक नवीन कर्म का सृजन कर देता है। वहां पर कर्म में तो अहंकार ही कारण होता है, मैंने किया, और जहां पर वो किया त्याग किया उस त्याग की वस्तु में महत्ता का बोध है, बड़ी भारी वस्तु का त्याग कर दिया, तब तक उसकी महत्ता का त्याग नहीं हुआ। मन से
उसकी महत्ता रह गई, बनी रह गई, मिटी नहीं। लेकिन जहाँ मल बुद्धि विष बुद्धि से त्याग होता है, वहाँ त्याग की महत्ता नहीं रहती, विपत्ति कटी। एक पेट साफ हो गया, मल निकल गया, अथवा विष कभी मार देता, वो विष छूट गया, इस प्रकार की बुद्धि होती है। असत्ता न होने पर भी दो ही बात है, विषयों की सत्ता नहीं, और यदि है तो दुख रूप, यदि है तो दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम, ऐसा है। और नहीं सत्ता नहीं, तो सत्ता नहीं के बाद छोड़ दें तो जहाँ सत्ता है वहाँ विषय दुख रूप है, ये बात मानी। तो वैराग्य के सुख का जब उदय होता है, तब जो पहले पहले राग वाली जितनी वस्तुएं थी, उन सब वस्तुओं की महत्ता तो मिट ही जाती है, फिर उनका त्याग सहज होता है। और जहाँ उनका त्याग जबरदस्ती कहीं हो जाता है, तो मन में एक वृत्ति विरोधी हो गई ना उन विषयों से, तो सुख का बोध होता है। और ये स्वाभाविक चीज है, ये अनुकूलता और प्रतिकूलता ये हमारे मन के समय समय पर बदलने वाले भाव हैं। भला आज हमारा पुत्र बड़ा प्रिय है, और कल यदि किसी चीज को लेकर अनबन हो जाए आपस में, पिता पुत्र में भी विरोधी भाव हो जाए, तो वो पुत्र फिर अनुकूल नहीं रहता, प्रतिकूल हो जाता है, वो पिता प्रतिकूल हो जाता है, उसकी क्रियाओं में प्रतिकूलता का आभास होता है। तो इसलिए जब भावना बदल जाती है, विषयों में सुख नहीं दुख है, विषय ये सुख देने वाले नहीं, मुक्त करने वाले नहीं, जेल में डालने वाले हैं, बांधने वाले हैं, इनका संपर्क शांति का भंग करने वाला है, शांति का आनयन करने वाला नहीं, इनके संग से जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन में उन्नति नहीं होगी। इस प्रकार जहां भावना बदली, वहीं मन का भाव बदला, रूप बदला। मोटी बात, एक जमाना हिंदुस्तान में ऐसा था, अंग्रेजी राज्य में, कि उसमें बिलायती नाम का महत्व था। तो अनार भी बिलायती, सेब भी बिलायती, कपड़ा बिलायती, बिलायती न होने पर भी विज्ञापन में लिखे थे कि बिलायती चीज है। बिलायती चीज के नाम से गौरव होता, बड़ी प्रिय होती। और वो स्वदेशी युग आया, भाव पलटा, तो बिलायती के नाम से लोगों में घृणा पैदा हो गई। और बिलायती चीज भी अगर किसी को बेचनी हुई, तो बेईमानी से देसी करके बेचने गया, नहीं बिल्कुल। जेल जाना बहुत बुरी चीज, भाई ये दागी हो गया, जेल गया हुआ है। और वही गांधी जी के युग में उन्होंने इस प्रकार की एक प्रवृत्ति की, ऐसा भाव बदला कि लोग उत्सुक हो गए जेल जाने के लिए, और उसमें गौरव का बोध करने लगे, आकांक्षा करने लगे, हमें देश के लिए जेल जाना पड़े, हमारा सौभाग्य। तो क्या बात है, ये प्रतिकूलता अनुकूलता भाव के अनुसार बदलती रहती है। तो जब कभी किसी सद्भाग्य से, भगवत कृपा से, संत कृपा से, शास्त्र कृपा से, सत्संग से विषयों के प्रति भाव बदल जाता है कि ये अच्छी चीज नहीं, बुरी चीज, इनका सेवन उठाने वाला नहीं, गिराने वाला, तो फिर यथार्थ उनके प्रति प्रतिकूलता की भावना जाग उठती है, और उसमें उनका परित्याग सहज और सुखमय होता है। फिर वो बहुत बड़ी बड़ी उसके लिए त्याग की तैयारी नहीं करनी पड़ती, और न उनके त्याग का कोई दिखावा होता है। हम लोग जो रोज अपनी विपत्ति का सहज त्याग करना चाहते हैं, किसी को दिखाते हैं क्या?
बीमार हो गए, डॉक्टर से दवा लेते हैं, इलाज करवाते हैं, अच्छा करते हैं, कहीं ढिंढोरा पीटते हैं क्या? कुछ नहीं। अपनी प्रतिकूलता का परित्याग करना मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है और उसके परित्याग में सहज भाव है और उसके परित्याग में उसके मिट जाने में सुख है। तो उसमें जो सुख है वो किसी दूसरे महान सुख की अपेक्षा से है। तो महान सुख जो होता है वो होता है विराग में, वो सुख का हमें अनुभव नहीं है ना। इसलिए हम लोग इस बात को जानते नहीं कि विराग में भी कोई सुख है। विराग में कोई सुख है इस बात की हम लोगों को कल्पना नहीं। हम लोग तो सुख को आंकते हैं सांसारिक वस्तुओं के ऊपर। जिसके पास बढ़िया कपड़ा वो सुखी, जिसके पास कम कपड़ा वो घटिया कपड़ा वो दुखी, जिसको लोग पूजा सम्मान करें वो सुखी और जिसको न करें वो दुखी। ये मापतौल तो अपनी अपनी बुद्धि का होता है ना। हमारे जो सुख दुख मापने का जो कांटा हमारे पास है वो हमारा अलग और दूसरों का अलग। ये एक बार किसी ने कहा कि भाई संत कौन है जरा बताओ तौल करके। अब संत को असंत तोले कैसे? जिसकी बुद्धि में विषयों की महानता है उसकी बुद्धि में त्याग का महत्व आता ही नहीं। हो तो या तो उसे मूर्ख मानता है या मंदभागी मानता है या दयनीय मानता है। बेचारा कुछ है नहीं इसके पास। पर वो किस आनंद में है ये तो वो जानता है। प्रह्लाद ने पूछा, भूत जी मोटे ताजे पड़े बालू में मस्त हंस रहे, बोले महाराज क्या बात है, आप तो चिंता उनका होती ही नहीं, आप मस्त पड़े हैं। न कुछ सामान आपके पास, न कपड़ा लत्ता आपके पास, न कोई घर आपके पास, क्या बात है। बोले भैया हमारे पास मौज है, खाने पीने का यह हाल है कि कभी हमको कोई माल खिला दे, लेवा मिश्री मिष्टान खिला दे, और कभी रूखा सूखा मिल जाए, कभी मिले ही नहीं, तो हम मौज में रहते हैं। हमारी मौज को वो खाने का बढ़िया सामान तो बढ़ा नहीं सकता, तो घटिया सामान घटा नहीं सकता। कहीं हम मखमली गद्दे पर सो जाते हैं और कहीं तप्त बालुका में पड़े रहते हैं। वो तप्त बालुका और वो मखमली गद्दा हमारे इस मन की मौज को घटा बढ़ा नहीं सकते। ये आत्मानंद, ये आत्म सुख जो है ना, ये हमेशा अपने पास है, हर अवस्था में रहता है। और उधार सुख, ये तराई आशा का सुख जो है ना, ये उधार सुख है। मिले न मिले, मिले तो वापस देना पड़े ब्याज व्याज लगा करके, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता विषयी पुरुष विरागी के आनंद का। तो कहा भाई कैसे तोले, तो वो तोलेगा इस बात पर। स्वामी जी महाराज बोले पता लगाएगा इनके आसन में, इनके पास कंबल उम्बल सोने होने के लिए ठीक है कि नहीं। बोले कंबल तो ठीक नहीं है, तो बेचारे दुखी क्या कहें, किससे कहें, कैसे दुखी। तो आप अपनी आंख में उसको देखेगा, बोले इनकी कोई कुटिया बनी कि नहीं, बोले नहीं कुटिया तो नहीं बनी, जहां तहां पड़े रहते हैं, बेचारे दुखी। इन वस्तुओं पर वो आंकेगा सुख दुख। तो उसके लिए कहा कि भाई दो कांटे होते हैं, एक पत्थर लकड़ी बड़े बड़े लक्कड़ तोड़ने का बड़ा भारी कांटा, और हीरा तोड़ने का जौहरी का छोटा सा कांटा जो उसकी जेब में भी आ जाए। कहीं हीरे का तोल करने के लिए वो लकड़ी पत्थर तोड़ने वाले कांटे को आदमी लगा दे और कहे कि इस पर तोल के देखो कितना वजन होता है हीरे में, तो हीरा बेचारा उस बड़े कांटे की किसी छेद में तला रहे, उसका वजन क्या होगा, कौन उसके वजन को जाऊ। और वो तोड़ने वाला कहेगा ये तो किसी काम का नहीं, जरा सा भी पलड़ा झुका ही नहीं, तो इसमें क्या है। अरे विषयों में संसार में कहीं पलड़ा झुका हुआ होता, कोई सन्यासी भी है कोई महात्मा भी है, इनका बड़ा मान है, तो मानते भाई ये इसको झुका हुआ है। जिनको कोई जानता नहीं
जिनका बाहरी महत्व कुछ नहीं, कोई वजन है ही नहीं, जिनका सारा वजन खो गया त्यागी कौन, जिसमें सांसारिक वजन नहीं रहा, जो सांसारिक तौल में कभी तुलते नहीं, जो सांसारिक कांटे में तोले नहीं जा सकते, वो संत। सांसारिक कांटे में जो तोले जा सकते हैं, मान में, धन में, सम्मान में, अधिकार में, पद में, ख्याति में, वो हम जैसे ही हैं, अलग नहीं। तो वो लकड़ी तोलने वाला, पत्थर तोलने वाला कहने लगा कि भाई इसकी हीरे का तो कोई मूल्य नहीं, तुम फालतू इसको ये जरा से कांच के टुकड़े को चमचमाते हुए को लिए फिरते हो, हमारे कांटे में तो जरा सा भी इसमें वजन नहीं आया, और देखो हम एक लकड़ी रखते हैं इसके सामने, वो कांटे को कितना झुका देती है देखो। अब वो लकड़ी के साथ हीरा तुले कैसे, पत्थर के साथ हीरा तू तुले कैसे। इसी प्रकार विषयी के साथ त्यागी की तुलना नहीं होती, भोगी के साथ विरक्त का कोई उपमा, कोई तौल की चीज नहीं होती, वो उसके उसका तौलना अलग, उसका तौलना अलग। तो विराग में जो सुख है, वो सुख राग की भूमिका से सर्वथा पृथक है। राग की विषयानुराग की भूमिका में, विषयानुराग के क्षेत्र में विषयाशक्ति के अभाव का वैराग्य का सुख है नहीं। अलग अलग दो क्षेत्र हैं, जहाँ विषयों की भोगों की आतंकित महत्ता है, वहाँ स्वाभाविक विराग का कोई महत्व नहीं, वहाँ वैरागी वृक्ष जो हैं, वहाँ तुच्छ होते हैं, ये भिकमंगे बहुत फिरते हैं, भिकमंगे बहुत फिरते हैं, इनके पास कुछ है नहीं, महत्व क्या कहें इसका, और उनके पास कुछ होता नहीं। यही तो चीज है, जो जगत की दृष्टि में सर्वथा अकिंचन होते हैं, वही भगवत धन के धनी होते हैं। ये याद रखने की बात, जो जगत में सर्वथा अकिंचन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जागतिक चीज वस्तु नहीं, ये भाव वाली चीज भी, कीर्ति यश भी नहीं है, जिनके पास अकिंचन सर्वथा, वो उनके पास परम धन होता है, जो कभी किसी से तुलना नहीं जिसकी हो सकती, अतुलनीय धन भगवान, किसी से भगवान का नाम है अकिंचन वित्त, नमो अकिंचन वित्ताय, नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन के वित्त को नमस्कार है, निर्धन के धन को नमस्कार है। तो निर्धन तो है, जगत की दृष्टि में वो सर्वथा नगण्य है, जिस चीज के होने पर जगत पूजता है, पद हो, अधिकार हो, मान हो, सम्मान हो, ख्याति हो, धन हो, स्वास्थ्य हो इत्यादि, जो चीज संसार में पूजनीय बनाती है, उनके अभाव में संसारिक वस्तुओं को महत्व देने वाले लोगों के दृष्टि में उसका महत्व ही है, वो समझता है यह चीज इसके पास ये सर्वथा ही न हम लोगों के बराबर बैठने की योग्य नहीं है, मुझे है ही नहीं, तो बहुत ऊंचे बैठने की योग्य है। तब वो लोग दूसरे कांटे पर तोल कर कहते हैं, वो कहते हैं हम बड़े, हम संपन्न, हम सुखी, ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, ये उनकी भाषा है। ये जो विषयाशक्त आसुर मानव हैं, आसुर मानव की भाषा है ये, वो इसी रूप में बोलता है हमेशा, जब कभी बोलता है तो चाहे शब्द शब्दांतर हो, पर उसके मन की भाषा यही रहती है, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम अहम, हम सिद्ध, अहम बलवान, अहम सुखी, अरे संसार में हमारे समान कोई, बोलू सदृशो मया, हमारे समान संसार में है कौन, हम जो चाहे से कर दें, ये हमने अपना निर्माण किया। ऐसा लोग आजकल बहुत कहते हैं, हमारा निर्माण करने वाले हम, न प्रारब्ध निर्माण करने वाला, न भगवान निर्माण करने वाले, और न माता पिता निर्माण करने वाले, हमारा निर्माण करने वाले हम,
हमने अपने को बनाया, हमने देश को बनाया, हमने राष्ट्र का निर्माण किया, हमने विश्व के निर्माण में अपना हिस्सा दिया। इस प्रकार ये मानव का अभिमान जब बोलता है तो वहाँ वैराग्य छिप जाता है, वहाँ वैराग्य के साथ इसकी तुलना नहीं होती, वो अलग चीज। तो वैराग्य में एक जो परम सुख है, वैराग्य में एक जो परम रस है, उसमें जो एक महत्वपूर्ण राज है, उस राज के रसिकों को ही पता होता है कि वो राज कैसा होता है। उस राज के साथ साथ एक और बढ़िया चीज होती है जिसका संकेत किया गोकर्ण जी ने, भव भक्त निष्ठा। बड़ी सुंदर बात कही, वो कहते हैं कि वैराग्य राज में रसिक हो जाओ और फिर भक्ति निष्ठ बनो। ये और यहाँ ध्यान में रखने की बात है, भला जरा इसको समझ लेना है। भगवत भक्ति में, भगवत प्रेम में विषय रस कदापि नहीं है, ये मान लेना चाहिए। उसमें अगर विषय रस विषयाशक्ति है, उसको हम भक्ति या प्रेम मानते हैं, तो हमारी गलती है, ये बड़ी भाई भूल है, प्रमाद है। तो वहाँ क्या है, वैराग्य के राग में रसिक बनने के बाद एक प्रेम रस की अनुभूति होती है, प्रेम रस का उदय होता है। जब तक ये विराग नहीं होता तब तक प्रेम रस का उदय नहीं होता, और वो विराग होना चाहिए छोटी से लेकर बड़ी वस्तु तक सब में। भुक्ति मुक्ति स्प्रहयावत पिशाची हृदय वर्त से, मुक्ति में भी वैराग्य हो जाए भुक्ति के बाद तो अलग। इस प्रकार का जब वैराग्य जागता है तब क्या होता है, एक प्रेम का रस उदय होता है, वो प्रेम रस विराजनी विरा कर देता है। या इसको समझना है, जो वास्तविक भगवत प्रेमी है वो वैराग्य का विरागी है। वैराग्य का विरागी कैसे, कि न उसे वैराग्य में राग है और न उसे राग वाली किसी वस्तु में राग है। उसका राग है एकमात्र अपने परम प्रियतम भगवान में, इसीलिए उसका नाम है भक्ति निष्ठ, भक्ति में निष्ठा वाला। तो वहां पर यदि उस भक्ति निष्ठ उस प्रेमी को यदि कह दे श्री श्याम सुंदर कि तुम बढ़िया कपड़ा पहन के आ जाओ, तो उसको उस वैराग्य की के बाहरी स्वरूप में कोई भी महत्ता नहीं दिखती, तो उसके त्याग की भी कोई महत्ता नहीं है। अरे पड़ा ऐसे ही, वो भी धूल, धूल पर धूल झोंक दो या धूल को धूल से निकाल दो, धूल ही धूल।